तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग समझ लो कि ये आपका एक सरप्राइज टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप लोग सारे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, और लास्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और सारे क्वेश्चन में आपका प्रीवियस पैटर्न पे ही पूरे सारे क्वेश्चन आपका आधारित है, जो भी रिसेंट में आपका जेई एग्जाम हुए थे, सीसीएल एग्जाम हुए थे, फिर एनटीपीसी ग्रुप डी, वो सारा क्वेश्चन का ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपके आधारित है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं फिलहाल आपका। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी आपको इस श्रृंखला के पहले 9 अंकों का योग क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दो या तीन तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, पहला तो बेसिक जिससे आप काउंट कर सकते हो, मगर यहाँ तो 9 टर्म्स है तो आप इसको काउंट कर लोगे, मगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा 25 टर्म्स या 26 टर्म या फिर जितने भी ज्यादा टर्म्स, तो फिर तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे ना। तो इससे अच्छा होगा कि आप फॉर्मूला आप समझ लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं दो फॉर्मूला लिख देता हूँ, दोनों में से आप जो समझते हो बना लेना। क्या होता है, पहला फॉर्मूला एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ये आप जानते हो। और दूसरा कोई आपका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सीरीज का अगर सम ऑफ एन टर्म का निकालना है तो ये क्या होता है फॉर्मूला आपका, ये हो जाता है आपका एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, ये दोनों एपी का ही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप जिससे चाहो उससे बना सकते हो। अगर पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट टर्म आपको निकालना होगा। तो क्वेश्चन में आपको केवल 3 ही टर्म दे रखा है पहला का, तो आप निकाल लो पहले लास्ट टर्म की, लास्ट टर्म होगा क्या। तो देखो अंतर कितना है, 18 का अंतर दिख रहा होगा आपको। अगर 18 का अंतर है तो पहला संख्या और 9वें संख्या का बीच में अंतर कितना का होगा, तो 18 गुना 8 का ही अंतर होगा, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स है और 18 का डिफरेंस है, तो 18 गुना 8 यानी 144 का डिफरेंस होगा पहले और आखिरी संख्या के बीच में। तो मेरा आखिरी संख्या क्या हो जाएगा, 213 ऐड कर देंगे तो 4 3 7 और 4 1 5 और 2 1 3, यानी आपको पता चल गया जो आखिरी नंबर होगा वो 357 होगा। अब सॉल्व कर लो, तो पहला संख्या आपके पास है कितना, 213, 213 357 कितना हो जाएगा 570, और ये n बाई टू मतलब 9 बाई टू, तो बस सॉल्व करो। तो 2 से काटेंगे, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, 9 बाई टू और ये 570, 2 से काटेंगे कितना बार में, 285 बार में, 9 पचे 45 और 4, 9 8 72 और 4 76 और 7, 9 2 18 7 25, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो ये सेकंड वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी लास्ट टर्म निकालने का जरूरत नहीं है। अगर आप भूल जाओ तो ये चीज आपको याद रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 3 है, यदि 25% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो स्कूल के उन छात्रों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है बताओ। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आया होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में पहले बोल रखा है कि कोई बॉयज और गर्ल्स है स्कूल में, रेशियो क्या है, 4 और 3 का रेशियो है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% बॉयज को स्कॉलरशिप मिली है, तो इसका मतलब 1 रेशियो को स्कॉलरशिप मिली है, 40% गर्ल्स को मिली है, तो 3 रेशियो का 40% कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, यानी इतने लोगों को स्कॉलरशिप मिली है। आपसे पूछा है कि बताओ परसेंटेज बताओ जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो टोटल आपके 7 रेशियो लोग है, और टोटल कितने लोगों को आपका स्कॉलरशिप मिली है, तो 2.2 लोगों को मिली है, यानी कितने लोगों को नहीं मिली है, 4.8 लोगों को नहीं मिली है। अब आप किसमें इसका परसेंटेज निकालोगे, टोटल 7 लोगों में ही निकालोगे ना। अब आप ऐसा मत सोचना कि 1.2 तो आपका गर्ल्स होती नहीं है, यहाँ पर आप जो आप यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप 100-100 से दोनों में गुना कर लो, फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेना। तो जैसे भी करोगे आंसर वही आना है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो ना, आंसर वही आएगा। तो क्या फायदा कैलकुलेशन को बड़ा बना के, तो पॉइंट से हटाएंगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी 480/7, तो 7 6 42 और 6 और 0 8 7 56, मतलब 68 पॉइंट समथिंग आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ये वाला कंडीशन दे रखा है और आपसे इसका वैल्यू पूछा है, और मैंने अलजेब्रा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया, ठीक है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ यहाँ तक भी कि देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा या तो फिर थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के पूछता है। तो आपको अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको थोड़ा सा उस चीजों को अरेंज करना होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको दे रखा है और ये आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 सेट भाग दे देंगे सभी में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखो ये आपका बन के तैयार हो चुका है, अब आपको क्यूबिक के फॉर्म में ले जाना है, क्योंकि आपसे क्यूबिक में पूछा है। तो क्यूबिक का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यूब प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3n,
बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मैं सारा कुछ बता चुका फॉर्मूला में, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं, तो एन आपका क्या है 4/3 मतलब 64/27 हो गया, फिर माइनस 3 × n मतलब 4/3 और साथ में प्लस 2 जो कि आपका क्वेश्चन में था, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस 4 में से प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 बचेगा, यानी मैं इसके जगह पे पूरा लिख सकता हूँ माइनस 2 होगा इतना पे, ठीक है। तो बस बताओ आंसर क्या हो गया, माइनस 2 27 2 54 और 64 में से 54 जाएगा कितना हो जाएगा 10/27, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज मोबाइल को स्क्रीन को अपना बड़ा कर लीजिएगा फुल स्क्रीन पे, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आपको x का वैल्यू बताना, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 7/2 हो गया, 5 5 को पहली काट दे रहे हम लोग, ठीक है, 7 5 = 35 और 2 = 37 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 9 5 = 45 और 8 3 = 48 हो गया, 8 का² = 64 हो गया, 60 आपका क्वेश्चन में था। अब देखो 2 के पावर में 4 है तो मैं इसको डायरेक्ट नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है, और ये आपका एक्स हो गया। अब यहां से आप जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब तो 16 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 12 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में, यानी 7 5 = 35 हो गया, 35 × 37। अब बताओ आंसर क्या होगा, अगर आपको 35 का² याद है और ये 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी 1225 और 70, ये क्या हो जाएगा 1295 हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको स्टेप दिखा रहा हूँ कि मैं कर कैसे रहा हूँ। अब 2 से भाग दे दो तो 6 हो जाएगा 6 × 2 = 12 और 4 और 7 और 0.5 यानी 647.5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, तरीका होता है अपना अपना सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ने पर क्रमश 30, 26, 22 प्राप्त होता है, तो प्रकृति संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा पहले आप लोग। तो चलो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, कोई 3 नेचुरल नंबर है जो कि आपको दे रखा है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी 2 संख्या का अगर औसत आप निकाल कर किसी तीसरे संख्या में जोड़ते हो तो वो संख्या या तो 30 होगा, या तो 26 होगा, या तो 22 होगा। क्लियर, तो आपसे पूछ रहा है वही 3ों संख्या बताओ कौन से है। तो यहाँ पर अब आपको मैं बोलूंगा, यहाँ पर आप बेसिक से नहीं बनाओगे, बेसिक से बनाओगे एक्स वाई जेड मान के, तो बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन समझ चुके हो तो ऑप्शन को पिक करो और आंसर बताओ। तो चलो क्वेश्चन को, अब ऑप्शन को पिक करते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है 13 5 21, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो जल्दी जल्दी, तो 13 और 5 का मैं अगर औसत निकालूंगा ये कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, 9 को जोड़ो 21 में कितना आ गया 30 आ गया, यानी ये आपको मिल गया। फिर उसी तरीके से 5 और 21 का औसत निकालेंगे तो ये कितना आ गया 13 आ गया, और 13 और 13 कितना होता है 26 हो गया, यानी ये भी आपका ठीक है। अब 21 और 13 का औसत निकालते हो, लास्ट आपका बचा हुआ है 21 और 13 का औसत कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी ये 3ों केस में सेटिस्फाई करके, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताओ इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे। क्या बोला है, 1269 रुपया प्रत्येक पर 2 वस्तुओं को बेचकर एक आदमी को समग्र बिल पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यदि उसने किसी एक वस्तु को 5 15/17% का लाभ पर कमाया है तो दूसरी वस्तु पर उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई दुकानदार है वो 2 आर्टिकल को बेच रहा है और दोनों आर्टिकल को जब बेचता है तो उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा ना तो कोई लॉस हो रहा, क्लियर। फिर क्या बोल रहा है कि अगर वो कोई पहला आर्टिकल को अगर इतने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है तो बताओ दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट लॉस में बेचेगा जिससे उसका ना तो कोई प्रॉफिट हो ना तो कोई लॉस हो, खत्म, यही क्वेश्चन है। तो कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पर आपको जो रुपया दिया रखा है उसका आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप बेसिक से बनाओगे तब जाके इसका जरूरत पड़ेगा, तो बेसिक से आपको बनाना नहीं है। यहाँ पास पहला आर्टिकल को क्या बोला कितना प्रॉफिट हो रहा है 5 15/17%, यानी अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो ये 1/17% इसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसका मतलब जो मेरा सीपी होगा ये मेरा 17 रेशियो होगा और इसी पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है 1 रेशियो का। तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 17 रेशियो क्राय मूल्य और 1 प्रॉफिट है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 18 रेशियो हो जाएगा। अब आप जानते हो ये सब चीज, तो अब आप यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यानी कितना था, सीपी मेरा 17 है और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 18 है। क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि दोनों आर्टिकल सेम प्राइस में आपका बिका है, तो जाहिर से बात है जो दूसरा आर्टिकल होगा वो भी तो 18 रुपए में ही बिका होगा और उसमें उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा ना तो कोई लॉस हो रहा है, यानी इसका मतलब ये कितना में आपका इसका क्या क्राय मूल्य होगा 19 रेशियो होगा, क्योंकि 18 18 कितना हो गया 36 हो गया और यहाँ भी कितना है 36 है, तभी तो कोई इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा ना तो कोई लॉस हो रहा है। अब ये लॉस वाला है, अब देख लो 19 का सामान 18 में बेचा गया तो कितना का लॉस हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है, कितने में से लॉस हो रहा है 19 में से लॉस हो रहा है। तो बस अब इसका परसेंटेज तो पूछा था, तो 19 5 95 हो गया और यहाँ 5 0
और 2 38 हो जाएगा, यानी 5.26 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से फॉलो करते आए हो, तो मैंने कल ही शायद परसों मैंने आपको सीसीएसएफ का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको बताया भी था, और अभी भी वही चीज बोलूंगा कि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से है तो आप इसको क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो विद इन सेकेंडो में। अगर नहीं पता तो फिर आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, जब आप इसको अंदर में सॉल्व करोगे ना, तो क्या आएगा आपका, ये सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीका से अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या हो जाएगा अंदर में, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्रोडक्ट में साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जरूर से बनाना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बनाना जरूर, 1/cos कर लेना, 1/sin कर लेना, जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू हो जाएगा, और आपका 1/cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो ये आपका डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। उसी तरीका से 10 का भी क्या करोगे, साइन बाई कॉस और ये साइन, एलसीएम लेना, सब कुछ ऐसे ही आएगा। अब आप जानते हो ये प्रोडक्ट में आ चुका है, तो अब रूट से बाहर निकालो, ये क्या हो जाएगा sec थीटा cosec थीटा, और यहाँ आपका tan थीटा, और ये आपका sin थीटा, तो sin थीटा cosec थीटा कट जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा into sec थीटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला अयान और अगाम एक व्यवसाय में भागीदार है, अयान 10 महीने के लिए पूंजी का 3/4 योगदान देता है और अगाम को लाभ का 1/4 प्राप्त होता है, तो अगाम व्यवसाय में कितने समय तक का पैसे निवेश करता है। ठीक है, चलो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं आपको इसके लिए ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, केवल आपको यहां पर पार्टनरशिप में पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, जिसमें आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी दो व्यक्ति कोई भी व्यवसाय शुरू करता है तो उनके बीच में जो भी प्रॉफिट होता है, यानी जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जो बटता है पैसे, वो उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग ही बटता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिलहाल तो ये हो गया आपका एक अयान, जिसको मैं लिख देता हूं ए वाई, और एक आपका हो गया अगाम। क्लियर, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10 महीने के लिए अयान आपका खर्चा कर रहा है 3/4, ठीक है, पूंजी का 3/4 खर्चा कर रहा है, यानी इसका मतलब अयान अगर 3:1 खर्चा कर रहा है तो अगाम आपका 1:1 खर्चा कर रहा है। क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन में जैसा बोला गया था, और आपका अयान 10 महीने के लिए खर्चा कर रहा है, यानी ये समय भी आपको पता चल गया। अब आगे क्या बोलता है कि अगाम को लाभ का 1/4 प्राप्त होता है, यानी अगर अगाम को 1/4 प्राप्त हो रहा है तो एक इसको प्राप्त होगा, तो अयान को कितना प्राप्त होगा, 3:1 प्रॉफिट प्राप्त होगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 30:1, यानी 30:1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, तो यहां पर अगर 1:1 है तो यहां पर क्या आएगा, 10 महीना आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पूछा क्या था, अगम का व्यवसाय कितने समय तक के लिए हुआ था, तो अगम का 10 महीने के लिए हुआ था, तभी तो जाकर उसको 1:1 मिलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हो तो वाकई में आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो आसानी से बना पाओगे। यहां पर आपको x प्लस y का वैल्यू पूछा है, तो मैं क्या करता हूं, पहले x क्यूब y क्यूब को वहां ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू 112। अब a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो x माइनस y हो जाएगा, उम्मीद करता हूं ये सब फॉर्मूला आपको पता होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, 112 हो गया। अब आपको इसके वैल्यू आपके पास है, यहां से देख सकते हो, अगर y को यहां ले आओगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, x माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि इसका जगह पे मैं इसको हटाऊंगा तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से काटेंगे क्या आ गया, 28 आ गया। क्लियर है यहां तक सभी को। अब देखो, अब आप आगे क्या कर सकते हो, तो देखो x स्क्वायर y स्क्वायर और xy आपके पास वैल्यू x माइनस y के टर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x माइनस y का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ले जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो कि यहां पास है माइनस 2xy होगा, जबकि यहां पर आपका प्लस xy है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 3xy से प्लस कर देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और ये आपका 28 हो गया, क्योंकि आपके पास x और y का वैल्यू, x माइनस y का वैल्यू, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो x माइनस y का वैल्यू क्या हो गया फिर आपके पास, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी इसको हटा दो तो ये 16 आपका यहाँ पर लेस हो जाएगा, ये क्या आ गया, 12 आ गया, 3 से काट देंगे तो कितना बार में, 4 बार में कट गया, यानी एक्स वाई का वैल्यू आपको पता चल गया 4, यही चीज आपको पता करना था। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ सारा चीज को, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या था,
एक्स माइनस वाई का वैल्यू हो गया 4 और एक्स वाई का वैल्यू हो गया आपका ये भी 4। अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि एक्स और वाई का वैल्यू सेपरेट निकाल के सॉल्व करोगे तो फिर आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आप सेपरेट निकालोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देख के पता चलना चाहिए कि एक्स वाई का वैल्यू आप सेपरेट नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, एक्स वाई का वैल्यू एक साथ ही निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये किसके बराबर होगा, अगर एक्स माइनस वाई का टर्म में लिखना चाहे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। बोलो ये दोनों जगह इक्वल है कि नहीं है, या माइनस 2xy होगा ना, होगा ना, तो मैं प्लस 4xy कर दिया हूं, केवल क्योंकि मेरे पास इसी का वैल्यू है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया, 4 और एक्स वाई का वैल्यू आपके पास 4 है यानी ये भी 16 हो गया, तो 16 16 कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है यानी रूट में लोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 4√2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन में केवल थोड़ा सा फॉर्मेट को अलग किया गया है, आप लोग सॉल्व किए होंगे कोई कोई चक्का जो घूमता है उस तरीका से। अब ये क्वेश्चन आपका में क्या है देख लो, यहाँ पर क्या बोला, बेलनकार आकृति का एक रोड रोलर जिसका व्यास 1.2 मीटर और लंबाई 1.4 मीटर का लंबाई है, यदि किसी गति पर यह रोलर प्रति मिनट 15 चक्कर लगाता है तो 40 मिनट में यह रोड रोलर कितने अधिकतम क्षेत्र को रोल कर सकता है। समझ गए, आप लोग देखे होंगे रोड रोलर, रोलर इस तरीका से होता है, ठीक है, और ये आपका एक सिलेंडर का शेप का होता है जिसका आपको डायमीटर और आपको लेंथ दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये रोड रोलर एक मिनट में 15 बार घूमता है, ठीक है, 15 बार अगर आपका ये घूम रहा है तो आपसे पूछा है कि बताओ वो 40 मिनट में वो कितना आपका कवर करेगा एरिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। समझ गए, तो आपको पता तो चल गया होगा कि अगर एक मिनट में अगर वो 15 बार अगर आपका घूम रहा है तो जाहिर से बात है 40 मिनट में वो कितना बार घूमेगा, तो 15 गुना 40 यानी 600 बार वो आपका रोड रोलर घूमेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार में अगर वो कितना अगर वो क्षेत्र को कवर कर रहा है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप 600 से गुना कर दोगे डायरेक्ट डायरेक्ट, तो यहाँ तो आप वॉल्यूम का कोई काम नहीं है, आपको क्या करना सरफेस एरिया का काम है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh यानी इतना एक बार में वो आपका रोल करके आपका कवर करेगा, ठीक है, डिस्टेंस मतलब सॉरी आपका जो भी क्षेत्र कवर करेगा। अब मैं ये सारा चीज को हटाता हूं, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 2 × 22/7 रेडियस क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, और ये एक बार का है। अब टोटल कितना है आपका, 600 आप बार बार घूम रहा है। अब सॉल्व करो तो पॉइंट से पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो 2 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे 2 बार में तो ये क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 6 × 2 = 12, अब 12 × 6 = 72 हो गया। अब आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 11 से यहाँ पर भाग दे दे रहा हूँ और यहाँ पर 11 से गुना कर दे रहा हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो ये 4 हो गया गुना, और 11 × 7 क्या हो जाएगा, 11 × 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 और 9 और ये 7 हो जाएगा। अब तो सॉल्व कर लोगे आसानी से, ये कैलकुलेशन इजी बन गया आपका, ये तरीका होता है आपका कैलकुलेशन को इजी थोड़ा बनाने का। 4 × 2 = 8 और 9 × 6 = 36 और 28 × 3 = 31 यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर ये तो था तरीका आपका बनाने का, मगर जो लोग बोलते हैं थोड़ा ट्रिक को लेकर, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें जो होते हैं जिसको आप लोग ट्रिक बोलते हो। तो अगर देखो मैं बात एक चीज मैं आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, अभी फिर से बताता हूँ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसे आपकी होती है जहां पर आपका जल्दी बन जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन के, अगर कोई भी क्वेश्चन में जिसमें पाई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता हो, उसमें आप क्या करना, ऑप्शन जो भी अगर आपको दिया जाए आप चेक कर लेना, 11 से अगर आपका जो भी ऑप्शन डिवाइड हो जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की भी बात करें तो इस क्वेश्चन में केवल आपका ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा था जो आपका 11 से डिवाइड हो रहा था, तो इसका मतलब आंसर आपका यही हो गया, 95% चांसेस आपका यही बनते हैं, ठीक है। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है तो आप भी समझ सकते हो, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, अगर 22/7 से अगर आपका इसका पाई का वैल्यू 22/7 है तो ये 11 का मल्टीपल ही है, तो इसका मतलब आपका जो भी ऑप्शन अगर 11 से डिवाइड होगा तो वो आपका आंसर होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपका ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जो हो 11 से डिवाइड हो, कभी कभी 2 या 3 भी आ जाते हैं, तो उस केस में हम लोग रेडियस से चेक करते हैं, ये थोड़ा तरीका होता है अपना, ठीक है। तो आप लोग भी चेक कर सकते हो, जब भी कोई क्वेश्चन मिले मेंसुरेशन का तो ये चीज आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, और इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अब ये क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, बताओ आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, सभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए सारे में आपका इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में मतलब। और ये क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट की बात करोगे तो ये ग्रुप डी में इसी तरीके से पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपका 3 पैरेलल कट है तो वहां आपका केवल 2 पैरेलल कट था। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है,
कोई एक ठोस घन को तीन समांतर कट द्वारा चार समान भागों में काटा जाता है, किसी भी एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और तीन घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन समझ लो, कोई एक आपका ये घन हो गया जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, ये क्यूब है। अब क्या बोल रहा है, इसी क्यूब को तीन पैरेलल कट मतलब तीन समांतर कट के द्वारा काटा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक बार इस तरीका से काट दो, इस तरीका से काट दो, इस तरीका से काट दो, तो टोटल कितने अब आपके घनाभ बन रहे हैं? देखो ध्यान से, टोटल तीन पैरेलल कट से आपका चार घनाभ बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, और चारों आपका इक्वल बन रहे हैं। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो बताना है, किसका किसका, क्यूब का सरफेस एरिया का, यानी आपका घन का आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, और साथ में कोई भी तीन घनाभों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है। क्लियर? अब आप जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करो, सिंपली अगर मैं बताऊं तो यहां पर अगर आपका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले कोई भुजा मान लो, तो सिंपल सा आप क्या करो, भुजा चार मान लो, चार मान लो, क्योंकि चार कट में आपका चार इक्वल इक्वल बराबर में कटा है, तो आप क्या करो चार मान लो, तब आपको तो यहाँ से सरफेस एरिया अगर आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझने का है यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा जो ये क्यूबॉइड बना उसका जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, वो कितना कितना होगा, तो ये चीज आपको यहां से समझना चाहिए कि देखो अगर इसको चार भागों में काटा गया है तो लेंथ और ब्रेथ तो मेरा चार और चार ही होगा, मगर जो हाइट होगा वो एक एक आपका बट जाएगा, मतलब हाइट अब जो होगा चारों घन आपका वो एक होगा। क्लियर है? बस यही चीज आपको समझना था, उम्मीद करता सभी को समझ आया होगा। और मैंने आपको बताया ना फॉर्मेट जो आपका इस तरीका से, आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई भी दो या तीन या चार या पांच, पांच घन को मिला के एक आपका घनाभ बनाया जा रहा है, फिर आपसे पूछता है कि सरफेस एरिया बताओ क्या होगा, या फिर कुछ भी पूछ लेता है आपसे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो चलो फिलहाल आपका अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है आपका घन का सरफेस एरिया, तो 6a² और नीचे वाला का अगर मैं सरफेस एरिया का बात करूं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए वरना फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये टोटल तीन ठो का सम बात क्या है, तो मैं तीन से गुना पहले कर दे रहा हूँ, तो 3 × 2 = 6 पहले काट दिया हूं। अब मैंने बताया था अगर आपको घन को अगर आप कोई चार वैल्यू मान लो, या फिर आपकी मर्जी जैसे भी वैल्यू मानोगे आपके ऊपर है, तो अगर मैं चार मानता हूं तो क्या हो जाएगा, 4² = 16 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मेरा लेंथ ब्रेथ अभी मैंने बताया, लेंथ ब्रेथ मेरा क्या होगा, 4 × 4 होगा यानी 16 हो गया। ब्रेथ और हाइट यानी 4 × 1 = 4 और फिर से आपका 4 × 4 हो जाएगा यानी 16 × 4 = 20 और 20 × 4 = 24 हो गया यानी 16/24। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन मुझे आंसर कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और अब मुझे साथ में ये भी बताओ कि आपके 11 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको सही में वाकई में आता था। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों का सभी लोगों का अभी कमेंट मैं आपका देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहले दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।